दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अमेज़न से किया हुआ किसी भी ऑर्डर को आप कैंसिल कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर आप एकदम बिगिनर है और आपको यही नहीं पता अमेज़न से ऑर्डर करते कैसे हैं, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जो कि आपको उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब मान के चलते दोस्तों कि आपने अमेज़न से किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर किया और उसके बाद आपका प्लान चेंज हो गया, अब आपको उस प्रोडक्ट को नहीं लेना, तो ऐसे केस में आप अपने ऑर्डर को जो है कैंसिल कर सकते हैं। अब ये ऐसा सिर्फ अमेज़न में नहीं होता, आप फ्लिपकार्ट में भी, मिंत्रा वगैरह में भी, जितने भी आपको ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स मिलते हैं वहाँ पे आपको जो है ऑर्डर कैंसिल करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप कोई दूसरा वेबसाइट यूज़ करते हैं और आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट्स या फिर इंस्टा पे DM भी कर सकते हैं, आपके लिए भी मैं ज़रूर सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। अब आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक के ऊपर, तो इसके लिए हमें कैंसिल करना कैसे है और कैंसिल करने का प्रोसेस क्या होता है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट अब इस प्रोसेस को सीखते हैं कि कैसे हम अपने ऑर्डर को कैंसिल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फ़ोन में अमेज़न ऐप को ओपन करना होगा। अभी यहाँ पे मैं आपको स्मार्टफोन से सिखाने वाला हूँ, आप चाहे तो वेबसाइट से अगर कर रहे हैं या फिर PC से कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। PC से करोगे तो आपको वेबसाइट से करना होगा और मोबाइल फ़ोन से करोगे तो आपको एप्लीकेशन के थ्रू करना होगा, बस प्रोसेस दोनों में सेम है। अगर आप वेबसाइट से करते हैं कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे नीचे कमेंट्स कर देना। तो चलिए फटाफट इसको हम करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी मैं अपने एप्लीकेशन के अंदर आ चुका हूँ। सिंपली आपको भी अपने फ़ोन में अमेज़न एप्लीकेशन के अंदर आना है, उसके बाद क्या करना है मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखिए लेफ्ट साइड ऊपर में 3 छोटा लाइन है, इस वाले लाइन के अंदर आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा योर ऑर्डर्स, तो इस वाले ऑप्शन के अंदर चले जाना है और यहाँ पे आपको वो सारा प्रोडक्ट दिखेगा जो भी आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक हेडफोन को ऑर्डर कर रखा है और इसको मैं आप लोगों को कैंसिल करके दिखाऊंगा। मान लीजिए आपने भी कोई ऑर्डर किया होगा और आपके पास या तो कोई प्लान चेंज हो गया, अब आपको वो प्रोडक्ट नहीं लेना है या फिर आपके पास पैसे नहीं है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, अगर आपको कैंसिल करना है तो ये स्टेप फॉलो करना होगा, ठीक है। अभी इसके नीचे देखिए आप 3 आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ट्रैक पैकेज, कैंसिल आइटम्स, व्यू ऑर्डर डिटेल्स। तो सिंपली आपको जो है कैंसिल आइटम्स के अंदर जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट है ये चेक्ड है, ठीक है। ये चेक का ऑप्शन इसलिए है दोस्तों कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4-5 प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रखा है जिसमें से एक प्रोडक्ट को जो है मुझे कैंसिल करना है, तो उस प्रोडक्ट को आपको इसे चेक कर देना है। उसके नीचे आपको कैंसिलेशन रीज़न देना है, ये दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते क्योंकि ये ऑप्शनल है, तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारा रीज़न दिया हुआ है, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं या फिर अदर, तो मैं एक कोई भी चूज़ कर लेता हूँ, ऑर्डर क्रिएटेड बाय मिस्टेक। उसको सिंपली आपको नीचे दिख रहा होगा कैंसिल चेक्ड आइटम, ठीक है, इस पर आपको सिंपली टच कर देना है और सक्सेसफुली आपका ऑर्डर जो है कैंसिल हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है योर ऑर्डर हैज़ बीन कैंसिल्ड सक्सेसफुली, तो मेरा जो ऑर्डर था ये हेडफोन वो सक्सेसफुली जो है कैंसिल हो गया है, अब वो मेरे घर पर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपने किसी भी ऑर्डर को जो है कैंसिल कर सकते हैं, अगर आपने मिस्टेक से कर दिया या फिर आप किसी भी रीज़न से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितना ईजी और कितना सिंपल मेथड था जिसकी मदद से आप अपने किसी भी ऑर्डर को जो है कैंसिल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा है, जाकर आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।